मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राखी का त्यौहार पास आ रहा है और राखी के त्यौहार में मिठाइयाँ सभी के घरों में बनती हैं। बाजार से लेकर आते हैं, कई लोग घर पे बनाते हैं। बाजार से तो मिठाइयाँ मिल ही जाती हैं, लेकिन जो हम घर पे बनाएं बिल्कुल बाजार जैसी, तो उसका मजा ही कुछ और होता है। आज हम बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बनाएंगे, बाजार से भी बढ़िया होगी, बहुत जल्दी बनकर तैयार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले लेंगे एक कढ़ाई, गैस को अभी खोलेंगे नहीं, बंद ही रहने देंगे। इसमें डाल देंगे एक आधा कप दूध। दूध जो आपने लेना है रूम टेम्परेचर पे लेना है, ठंडा दूध नहीं लेंगे, नॉर्मल जो है दूध लेंगे। कोई भी दूध आपके घर में पड़ा हो आप ले सकते हैं, मैंने जो है फुल फैट दूध लिया है, इससे मिठाई ज़्यादा बढ़िया बनती है। इसके अंदर डाल देंगे पिसी हुई चीनी। ये पिसी हुई चीनी है, बिल्कुल हमने इसको बारीक कर लिया है। मिक्सी को मिक्सी के जार के अंदर चीनी को डालें और ये जो है हमने 1/4 कप चीनी का ले लिया, ये डाल दें। अच्छे से दोनों चीज़ों को मिला लेंगे। इसके साथ ही हम लेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। नेस्ले का मिल्क पाउडर लिया है, ये बहुत ही अच्छा होता है, नेस्ले का लें, इससे मिठाई बहुत ही बढ़िया बनती है। तो 1 कप हमने लिया है, इसको डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसमें बिल्कुल कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए, वैसे तो हमने गैस नहीं खोली है अभी, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते रहेंगे। इस तरह से लगातार मिलाते हुए हम इसको जो है इस तरह से डालेंगे। गैस का फ्लेम अभी हमने नहीं खोलना है, बाकी का भी सारा डाल लेते हैं। तो सारा 1 कप जो है हमने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया, इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। हमने तब तक नीचे से गैस को नहीं खोलना है जब तक हमारा ये मिल्क पाउडर जो है अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। तो ये दूध, चीनी और मिल्क पाउडर आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से ये अच्छे से मिल जाना चाहिए। इस स्टेज पे हम गैस को नीचे से ऑन कर लेंगे। गैस हमने खोल लिया और हमने फ्लेम जो है मीडियम कर लिया। मीडियम फ्लेम में हम इसको लगातार हिलाएंगे और इसको जो है पका लेंगे। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, जमने वाली कंसिस्टेंसी पे ना आ जाए। फ्लेम मीडियम हाई कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि हम इसको लगातार हिलाएंगे। हमने इसमें चीनी भी डाल रखी है, तो इसलिए थोड़ा सा आप देखेंगे ये पतला हो गया है। इस तरह से ये पहले पतला होगा, उसके बाद जो है एकदम से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से इसको हिलाते रहें और इसको गाढ़ा करें। जब आप देखें हल्का हल्का ये गाढ़ा होने लगा है, बॉईल हो रहा है, तब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं ये गाढ़ी होने लगी है इस स्टेज पे, बिल्कुल गैस को हल्का कर देंगे। हल्की गैस पे इसको लगातार हिलाते हुए हमने इसको गाढ़ा करते रहना है। अगर हम इसको लगातार नहीं लाएंगे तो ये जो है नीचे लगने लगी। ये आप देखिए किस तरह से ये गाढ़ी हो गई है। अभी हम इसको और गाढ़ा करेंगे। हमने इसको तब तक गाढ़ा करते रहना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी जो है पूरी जमने वाली ना हो जाए। इसमें जो है हम आधा चम्मच घी और डाल दें, आधा चम्मच से हल्का सा कम ही डालें, ज़्यादा नहीं। हिला लेंगे, जब देख रहे हैं इस तरह से होना चाहिए, ये देखिए गाढ़ा। इसी तरह से लगातार हिलाते हुए थोड़ा सा इसको जो है और थिक कर देते हैं। तो ठीक हो चुका है, जमने की कंसिस्टेंसी भी आ गया है। गैस को बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा हो गया, ये इस तरह से हो गया जैसे कि खोया होता है। तो ये खोए की तरह बन, हमने इस तरह से खोए की तरह इसको बना लेना है। इसके अंदर अब हम डालेंगे वनीला एसेंस। ये वनीला एसेंस है, आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो आप केवड़ा डाल सकते हैं, वो ना हो तो आप रोज़ डाल सकते हैं, जो आपके पास हो आप वो डाल लें। मैं इसमें वनीला डाल रही हूँ। अगर आप ये भी ना डालना चाहें तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। तो 2-3 बूंदें डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालनी, सिर्फ 2-3 बूंदें हमने इसमें डाल देनी है। इससे बहुत ही बढ़िया जो है खुशबू आती है और बिल्कुल उसी तरह से मिठाई बनेगी जैसे बाजार वाली होती है, जो आप बड़े बड़े शोरूम में खाते हैं ना मिठाई, उसी तरह की मिठाई। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम कोई भी टिन ले लेंगे इस तरह से और इसमें जो है अपनी ये डाल देंगे। तो ये सारा इस तरह से इसको स्प्रेड कर लेंगे इवनली, इस तरह से इसको स्प्रेड कर लेंगे और इसके वो गार्निश कर देंगे बादाम के साथ। इस तरह से खूब सारा ड्राई फ्रूट लगाने, कोई भी आपको पसंद हो अपनी मर्जी का आप लगा सकते हैं। इस तरह से हल्के हल्के हाथ से इसको स्प्रेड जो है प्रेस कर रहे हैं नीचे को, और थोड़ा सा इसमें लगा लेंगे हम इस तरह से पिस्ता। पिस्ता और बादाम दोनों ही इसमें बहुत ही बढ़िया लगते हैं। इस तरह से इसको हल्के हाथ से प्रेस कर लेंगे। अब हम इसको जो है आधे से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, सेट होने के। तो लीजिए अच्छे से जमकर ये रेडी हो गई है। बीच में से इसको कट कर लेते हैं इस तरह से,
बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया बनी है और इसको निकाल लेंगे। ये देखो इस तरह से निकाल लेंगे और इस तरह से कट कर। तो लीजिए बहुत ही टेस्टी और बढ़िया सी हमारी ये मिठाई बनकर तैयार हो गई है। इस रक्षाबंधन में आप इसको घर में बनाएं, इसमें ना तो कोई चाशनी लगेगी, ना तो इसमें कोई मावा लगेगा, ना तो इसमें कंडेंस मिल्क लगेगा। बहुत ही जल्दी और फटाफट बनकर ये तैयार होती है। इसे ज़रूर बनाइए। कैसी लगी आपको? पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।